हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आर डी शर्मा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 3.6 शुरू की है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 257, वेयर एज 4 बैग्स 3 पेन्स टूगेदर कॉस्ट 324। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स। हमें कहा है कि अगर हम 3 बैग और 4 पेन खरीदते हैं तो हमारे पास जो हमारा बिल बनता है वो बनता है 257 का। अगर हम 4 बैग और 3 पेन खरीदते हैं तो हमारा जो बिल बनता है वो बनता है 324 का। हमें ये पता करना है कि अगर हम 1 बैग और 10 पेन खरीदेंगे तो हमारा बिल कितना बनेगा। तो शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इनके कॉस्ट को कुछ ना कुछ कंसीडर करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ बैग इज इक्वल टू एक्स रुपीज। हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा बैग है वो एक्स रुपए का है और जो हमारा पेन है वो वाई रुपीज का। अब हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है। हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3 बैग्स ले रहे हैं, एक बैग का रेट कितना है एक्स रुपीज, तो हमारे पास 3 बैग्स का कॉस्ट कितना आएगा 3x प्लस 4 पेन्स। 4 पेन खरीदेंगे, एक पेन का रेट कितना है वाई रुपीज। एक बैग का हमारा रेट था एक्स रुपीज, तो 3 बैग्स का कितना होगा 3x। एक पेन का वाई था तो 4 पेन का कितना होगा 4y। इन सबको मिला के हमारा जो बिल बनता है वो बनता है 257 का, 257 रुपीस। अगर हम 4 बैग और 3 पेन ले रहे हैं, मींस अगर हम 4 बैग्स का रेट कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 पेन्स का कितना हो जाएगा 3y। इसका जो हमारा कॉस्ट बन रहा है वो बन रहा है 324 रुपीस। तो ये बन गई हमारी दो इक्वेशंस। अब हम यहाँ से इनको सोल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसके बाद हम अपना एक बैग और 10 पेनों का देख लेंगे कि कितना खर्चा आएगा। तो देखते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं इनको सोल्व करने के, या तो हम बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करें या फिर हम बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। आपको जो भी आसान लगता है आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। उसके लिए सारी इक्वेशंस को एक तरफ करना होता है, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 3x प्लस 4y माइनस 257 एंड सेकंड इक्वेशन बन इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 3y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब x के नीचे हमें रखने होते हैं कॉन्स्टेंट y वाले टर्म्स और कॉन्स्टेंट वाली। y हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन था। y के साथ कॉन्स्टेंट क्या है 4 और 3, कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स माइनस 257 एंड माइनस 324 इक्वल टू माइनस y। y के नीचे x वाली टर्म्स रखते हैं 4, 3 और कॉन्स्टेंट वाली माइनस 257 माइनस 324 इज इक्वल टू 1 के नीचे x और y वाली, x की क्या है 34, y की क्या है 43। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसके इसके साथ, x डिवाइडेड बाय 4 को इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8, 8 और 1 9, 4 साथ में माइनस का साइन था तो माइनस, बीच में माइनस का साइन। इसको 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 15 जा 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7 माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास। सिमिलर अब y वाली टर्म्स को करेंगे, इसके इसके साथ करेंगे 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 3 जा 9, माइनस का 9, बीच में माइनस का साइन होता है और ये भी टर्म माइनस की आएगी। 7 4 जा 28, 2 कैरी,
3 5 15 15 + 2 17 वन कैरी। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है, 4 को 7 28 टू कैरी, 4 5 20 20 + 2 22 टू कैरी करेंगे यहाँ पे, 4 2 8 8 और 2 10 यहाँ पे 10 28 आएगा। इक्वल टू 1 over 3 3 9 - 4 4 16। अब x वाली टर्म को पहले कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, ये हो जाएगा x over -1296 - -+771 = 1 over 9 में से 16 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस का 7, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 1296 में से 771 माइनस करेंगे आ जाएगा 5 2 12 में से 7 जाएंगे बचेगा 5 525 माइनस का इज इक्वल टू -1/7, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाय -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 7 7 49 7 5 35, तो x की वैल्यू आ गई 75। मीन्स जो हमारा बैग है वो हमारा एक बैग कितने का है, 75 रुपीज का एक बैग हमारे पास आ गया 75 का। अब हम y निकालेंगे, y हमारे पास क्या था, y की टर्म्स हमारे पास ये थी -y/-972 - - + हो जाएगा +1028 = 1/-7, -y/+-1028 में से 172 माइनस करेंगे, 1028 में से 972 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 5 56, ये आ गया 56 इज इक्वल टू -1/7, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 56 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 56/7, 56 था यहाँ पे 56/7, 7 8 56, तो y की वैल्यू आ गई 8। मीन्स जो हमारा पेन है वो हमारा पेन कितने का है, 8 रुपए का। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक बैग प्लस 10 पेन का, एक बैग कितने का है 75 का, 10 पेन कितने के होंगे, एक पेन कितने का 8 रुपए का, तो ये हो गया 75 + 10 × 8 = 80, तो ये आ गया हमारे पास 155 रुपीज, इतना हमारा कॉस्ट लगेगा अगर हम एक बैग और 10 पेन खरीदेंगे, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।